हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो एक बहुत ही बढ़िया पार्टी स्टार्टर है और जब भूख लगे तब आप इसे इजीली बना सकते हैं, और उसका नाम है पोहा बॉल्स। सो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने लेना है 1 कप पोहा या फ्रेटेंड राइस। अब हम इसे पहले ब्लेंड कर लेते हैं। सो देखिए, इस तरह से मैंने पोहा को एक फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने लेने हैं 2 बॉइल्ड पोटैटो, इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो आप इस तरह से फोक की हेल्प से अच्छे से इसे मैश कर लीजिए ताकि इसमें जरा सी भी गांठ ना रहे। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1/3 टीस्पून नमक और 4 चम्मच हमने इसमें ऐड करना है पोहा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपने इसका एक डो तैयार करना है। सो देखिए, इस तरह से डो रेडी हो गया है। अब हमने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। सो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इस तरह से मैंने जितना भी डो था उसकी बॉल्स बना ली हैं। अब हमने एक फोक लेना है और इस तरह से बॉल पे डिज़ाइन बना देना है। तो ये देखिए, इस तरह से एक सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी सब पे भी करना है। डिज़ाइन बनाने के बाद आप इस तरह से साइड से इसको शेप दे दीजिए। देखिए, मैंने इस तरह से सारे पोहा बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक एक करके इन पोहा बॉल्स को इसमें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है और जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। चलिए, अब हम इन्हें फ्लिप कर देते हैं क्योंकि एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। धीरे से इन्हें पलट देना है। सो देखिए, पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोनों तरफ से। सो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, झटपट बनने वाली क्रिस्पी और क्रंची पोहा बॉल्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे सॉस के साथ या हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हरे धनिए की चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये, और ये देखिए क्रंची भी कितने हैं। सो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टोस्टी किचन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।